हाय गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको फ्रॉक की कटिंग के बारे में बताऊंगी कि आप बड़ी ही आसानी से 2 मीटर कपड़े में फुल घेरे की और पूरी बाजू की फ्रॉक बना सकते हैं। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारा कपड़ा है, ये 2 मीटर है, आप देख सकते हैं। और इसकी ये जो चौड़ाई है, देख सकते हैं आप, मेरे कपड़े की चौड़ाई जो है 55 इंच के करीब है। आप भी जब भी फ्रॉक बनाने के लिए कपड़ा लें तो इस बात का ध्यान रखें कि उस कपड़े की चौड़ाई ज्यादा हो। ये हमारा चौड़ाई वाला हिस्सा है, तो हम इसे इस तरीके से 4 सेम में फोल्ड कर देंगे। तो देखिए, मैंने अपना कपड़ा फोल्ड कर लिया है 4 सेम में, देख सकते हैं आप। इधर की साइड बंद साइड है वो मैंने अपनी तरफ को रखी है, और जो खुली साइड है वो आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये खुली साइड मैंने इधर की साइड को रखी है, खुली बंद साइड जो है वो हमें अपनी साइड को रखनी है। तो अब मैं यहाँ से आपको निशानों के बारे में बताती हूँ कि आपको किस तरीके से इसके निशान लगाने हैं। तो देखिए, यहाँ से हम तीरा लेंगे, तो मैं इसके अंदर ब्रॉड नेट का गला बनाऊंगी, तो मैं तीरा 7 इंच रखूंगी। यहाँ से हम 6.5 इंच लेंगे, तो देखिए अब हम यहाँ से अपनी चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो हमारी चेस्ट है 34 का, अगर हम चौथा हिस्सा निकालेंगे तो हो गया 8.5। आपकी भी जितनी चेस्ट है उसका चौथा हिस्सा आपको यहाँ पे लेना है। और देखिए, मैं यहाँ पे 1.5 इंची का मार्जिन लूंगी और इस निशान को सीधा कर दूंगी। अब ये देखिए, यहाँ से हम 6.5 इंची पे टिक करेंगे। यहाँ से मेरी कमर है 28, अगर हम 28 का चौथा हिस्सा निकालेंगे तो हो गया 7, तो मैं यहाँ से 7 इंच लूंगी। ये देखिए, 1.5 इंची का मार्जिन लूंगी। अब यहाँ से हम फिर 6.5 इंची पे टिक करेंगे। ये देखिए, यहाँ से हम अपने हिप का निशान लगाएंगे, तो हिप मेरे हैं 36, अगर हम 36 का चौथा हिस्सा निकालेंगे तो हो गया 9, तो मैं यहाँ पे 9 इंची पे टिक करूंगी। ये देखिए, और 1.5 इंची सिलाई के लिए मार्जिन लूंगी। अब हम इन निशानों को आपस में मिला देंगे। तो देखिए, हमने निशान लगा लिए हैं, ये हमारी चेस्ट का निशान है, ये कमर का, और ये हिप का। अब हम नीचे देखेंगे। ये देखिए, हमारी फ्रॉक में नीचे ये इतना घेरा है, तो हम इस तरीके से करेंगे। देखिए, इस तरीके से इसे हम आड़ा कर देंगे। तो देखिए, हमने इस निशान को इस तरीके से जितना भी हमारे नीचे का घेरा है आड़ा कर दिया है। अब हम यहाँ से मुड्डे की गोलाई करेंगे। तो देखिए, उसके लिए मैं यहाँ से 1 इंच लूंगी। ये देखिए, और इस तरीके से हम इसकी गोलाई कर देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं, हमने अपनी फ्रॉक की पूरी कटिंग कर ली है और हमारी फ्रॉक की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए आप, हमारा कितना अच्छा खासा घेरा निकल चुका है। तो अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो मैं आपको बाजू के बारे में बताती हूँ कि आपको बाजू की कटिंग किस तरीके से करनी है। तो आप देख सकते हैं, ये हमारी फ्रॉक का बचा हुआ कपड़ा है, तो इसमें से ये जो हमारी 2 कली है, इसमें से तो मैं अपनी फ्रॉक की बाजू निकालूंगी। तो देखिए, कपड़े को हम इस तरीके से मोड़ेंगे। ये देखिए, 2 तीयरी 2 तीयरी। देखिए, हमने सूट में चेस्ट का चौथा हिस्सा 8.5 लिया था, तो हम मुड्डा भी अपना यहाँ से 8.5 इंच का ही रखेंगे। तो देखिए, मुझे अपनी बाजू की लंबाई चाहिए 16 इंच, तो मैं इसके अंदर 1.5 इंची का मार्जिन रखूंगी। तो देखिए, ये हमारी बंद साइड है, यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे। तो देखिए, ये हमारी खुली साइड है, यहाँ से हम 3 इंच लेंगे। ये देखिए, 3 इंच पे हम टिक करेंगे,
और 3 इंची वाले निशान को 2.5 इंची वाले निशान से मिला के इसे हम गोलाई दे देंगे। देखिए हमने यहाँ से गोलाई कर दी है। अब हम यहाँ से अपनी मोहरी का निशान लगाएंगे। तो देखिए मोहरी मुझे चाहिए 5 इंच की, हम 5 इंची पे टिक करेंगे और यहाँ से हम 1.5 इंची का मार्जिन लेंगे। तो ये देखिए जो हमने मार्जिन का निशान लिया था मोहरी पे 1.5 इंची का, इस निशान को हम इस निशान से मिला देंगे इस तरीके से आड़ा करके। ये देखिए हमने अपनी बाजू के निशान लगा लिए हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। और यहाँ पे हम बीच के सेंटर पे कट लगाएंगे। अब हमने अपनी बाजू की कटिंग कर ली है। फिर देखिए ये हमारे 2 पार्ट हैं, इसमें से हम एक पार्ट को निकाल के अलग रख देंगे। ये देखिए और एक पार्ट को इस तरीके से कर लेंगे। पहले हम आगे का गला बनाएंगे फिर हम पीछे का गला। तो मैं गला बुकरम का नहीं बनाऊंगी, पाइपिंग वाला बनाऊंगी। तो मैं इसी कपड़े के ऊपर कटिंग करूंगी गले की। तो इसके अंदर मुझे ब्रॉड नेट का गला बनाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ से 3.5 इंच लूंगी। देखिए ये बंद साइड है, आप देख सकते हैं यहाँ से हमें 3.5 इंच लेना है। और इस गले की जो मैं लंबाई लूंगी वो मैं 4 इंच के करीब लूंगी। ये देखिए 4 इंच के करीब मैंने लिया है यहाँ से, आपको भी इसी तरीके से 4 इंच के करीब लेना है। अब हम 3.5 इंच वाले से 4 इंच वाले को मिला के गोलाई दे देंगे। ये देखिए अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारा आगे का गला है। तो देखिए ये हमारा आगे का पार्ट है, इसकी हम गोलाई करेंगे अब। तो देखिए ये हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया था, हमें जो गोलाई करनी है वो 1.5 इंच के मार्जिन से ऊपर ऊपर करनी है। ये देखिए 1/2 इंच के करीब तरीके से कर देंगे। ये देखिए आपको भी इसी तरीके से 1.5 इंच का मार्जिन है निशान से ऊपर ऊपर 1/2 इंच के करीब लेके और इसकी गोलाई कर देनी है। बिल्कुल आपको यहीं तक गोलाई करनी है, यहाँ से आपको बिल्कुल मिला देना है। तो देखिए हमने अपने आगे के गले की कटिंग कर ली है। अब देखिए अब हम पीछे के गले की कटिंग करेंगे। तो देखिए मैंने ये यहाँ से मुड्डे से 3.5 इंच लिया है, यहाँ पे मैंने टिक करा है। और इस गले की जो मुझे लंबाई चाहिए वो मैं 3 इंच रखूंगी। तो मैंने यहाँ पे 3 इंच पे टिक करा है। जो मैंने आगे का गला बनाया था उसकी लंबाई मैंने 4 इंच रखी थी, हम पीछे वाले गले की लंबाई आगे वाले गले से 1 इंच कम रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से फिर हम इसकी गोलाई कर देंगे। देखिए और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए हमने अपने आगे और पीछे वाले दोनों गोलों की कटिंग कर ली है। अब हम इसे तैयार करने के लिए तिरछी पट्टी काटेंगे। तो ये देखिए ये हमारी फ्रॉक में से बचा हुआ कपड़ा है, इसके अंदर से हम तिरछी पट्टी काटेंगे। देखिए मैंने यहाँ से 2 इंच लिया है, उसी तरीके से हम पूरी पट्टी पे 2 इंच के निशान लगाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 इंच के पूरे में निशान लगा लिया है सीधा, उसी तरीके से हम 2 इंच यहाँ से लेंगे और फिर पूरे में इसी तरीके से निशान लगा देंगे। तो ये देखिए मैंने दोनों पट्टी पे निशान लगा लिए हैं, इसमें से एक पट्टी मैं आगे के गले पे जोड़ूंगी और दूसरी पट्टी पीछे के गले पे जोड़ूंगी। इसी तरीके से आपको निशान लगाने हैं। अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। तो ये देखिए ये पट्टी हम सीधी तरफ से लगानी स्टार्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे तरीके से मोड़ के यहाँ पे
पूरी पे इसी तरीके से हमें लगानी है, फिर से हम उल्टी तरफ को पलट देंगे। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कि आपको किस तरीके से लगानी है। तो देखिए इसके ऊपर हम पूरे पे सिलाई लगा देंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है इसकी हम कटिंग कर देंगे। देखिए अब इस पट्टी को हम पीछे की तरफ पलट देंगे, ये देखिए, और इसके ऊपर हम एक कच्ची सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए जिस तरीके से मैंने ये वाला गला तैयार करा है उसी तरीके से आपको दूसरा गला तैयार करना है। उसके अंदर पट्टी जोड़नी है, फिर उसे पीछे की तरफ पलट के उसके ऊपर एक कच्ची सिलाई लगा देनी है जिस तरीके से मैंने इसके ऊपर लगाई है। तो मैं आपको पीछे वाला गला तैयार करके बताती हूँ। तो ये देखिए ये हमारा आगे का गला है, ये देखिए, और इसी तरीके से हमने अपने पीछे का गला भी तैयार कर लिया है। हमने अपने दोनों गले तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे उल्टा करेंगे, ये देखिए तरीके से। और इस तरीके से तो ये देखिए यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए इसी तरीके से हम यहाँ से लेके यहाँ सिलाई लगा देंगे, और इसी तरीके से यहाँ से लेके यहाँ हम सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से आपको दोनों मुद्दे पे सिलाई लगानी है। तो आप देख सकते हैं हमने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है अपने मुद्दों पे, उसी तरीके से आपको सिलाई लगानी है। अब हम अपनी बाजू की गोलाई करेंगे और फिर इसके अंदर हम बाजू जोड़ेंगे। तो देखिए अब हम बाजू की गोलाई करेंगे। देखिए यहाँ से हमने 2.5 इंच लिया है, 2.5 इंच पे टिक करा है, और यहाँ से मैंने 1.5 इंच ही लिया है, 1.5 इंच पे टिक करा है। अब यहाँ से हम 1/2 इंच के करीब लेंगे और इसकी हम गोलाई कर देंगे। ये देखिए ये जो 2.5 इंच का हमारा निशान है, हमें गोलाई सिर्फ यहीं तक देनी है, यहाँ से हमें मिला देना है। ये देखिए इस तरीके से हमें गोलाई देनी है, बिल्कुल यहाँ से लेंगे, ये देखिए, और 1/2 इंच के करीब कपड़ा निकाल देंगे, ये देखिए, और फिर ये जो हमारा 2.5 इंच वाला निशान है यहाँ से हम बिल्कुल इसे मिला देंगे। यहाँ हमें गोलाई नहीं करनी, ये देखिए इस तरीके से, और यहाँ पे हम कट लगा देंगे ताकि हमें बाजू जोड़ते वक्त पता चल सके कि हमारा गोलाई वाला हिस्सा कौन सा है। ये देखिए अब हम बाजू जोड़ेंगे। तो मैं आपको बाजू के बारे में बताती हूँ। तो ये देखिए ये हमारी बाजू का बीच सेंटर है और ये हमारा मुंडा है, तो हम इसे यहाँ पे रखेंगे, ये देखिए, और ये हमारा आगे का गला है। तो आप देख सकते हैं इस हिस्से में हमने गोलाई करी थी, ये हमारी बाजू का गोलाई वाला सेंटर है, तो ये हमारा आगे की तरफ को आएगा। आपको भी बाजू उस तरीके से लगानी है कि आपका गोलाई वाला हिस्सा आगे की तरफ को आए। ये देखिए अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। देखिए हम यहाँ से सिलाई लगानी स्टार्ट करेंगे तरीके से। और ये देखिए यहाँ से हमने सिलाई लगाई थी, तो यहीं से हम दोबारा सिलाई लेके जाएंगे। देखिए फिर हम दोबारा मुद्दे पे आएंगे बीच के सेंटर पे, और फिर दोबारा यहाँ से हम सिलाई लेके जाएंगे। देखिए हमने अपनी बाजू जोड़ ली है, अब हम अपनी बाजू की मोहरी मोड़ेंगे, ये देखिए। तो ये देखिए जिस तरीके से मैंने ये बाजू लगाई है, ये देखिए इसी तरीके से आपको दूसरी वाली बाजू भी तैयार करनी है। मैं आपको तैयार करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं हमने अपनी फ्रॉक में दोनों तरफ बाजू लगा ली है, ये देखिए
इधर भी हमने इसी तरीके से बाजू लगा ली है। इसी तरीके से आपको अपनी फ्रॉक में दोनों तरफ बाजू लगानी है। अब हम अपनी फ्रॉक के नीचे के घेरे की गोलाई करेंगे, तो मैं आपको गोलाई के बारे में बताती हूँ कि आपको किस तरीके से करनी है। 12 इंच पे टिक करेंगे, देखिए ये देखिए, और इस निशान को हम सीधा यहाँ तक कर देंगे। ये देखिए, आप इसकी गोलाई कटिंग के साथ भी कर सकते हैं, और वरना गला बनाने के और बाजू जोड़ने के बाद भी आप इसकी गोलाई कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा बेहतर ये रहेगा कि आप गला और बाजू जोड़ने के बाद इसकी गोलाई करें। आप देख सकते हैं ये मेरी फ्रॉक के नीचे घेरे में, देख सकते हैं ये थोड़ा सा छोटा बड़ा कपड़ा हो रहा है। अगर आप इसकी गोलाई गला और बाजू जोड़ने के बाद करेंगे तो गोलाई ज़्यादा अच्छे से होगी और फ्रॉक में फिनिशिंग आएगी। ठीक है, तो मैं आपको गोलाई के बारे में बताती हूँ। तो देखिए, हम यहाँ पे इंची टेप रखेंगे और नापेंगे कि ये हमारा कितना है। ये देखिए, ये हमारा 20 इंच के करीब है। अब हम यहाँ से भी 20 इंच पे टिक करेंगे। ये देखिए, इस निशान से यहाँ पे भी हम 20 इंची पे टिक करेंगे। इसी तरीके से हमें पूरे में निशान लगाने हैं। ये देखिए, हम इसकी गोलाई कर देंगे, इसे हम गोल शेप दे देंगे। ये देखिए, हमने पूरे निशान लगा लिए हैं, उसी तरीके से आपको निशान लगाने हैं। ये देखिए, तो आप देख सकते हैं हमारी फ्रॉक की जो लंबाई है, ये देखिए, ये 37 इंच के करीब है। अब इसके अंदर में नीचे 3 इंच की पट्टी जोड़ूंगी, उसके अंदर में चुन भरूंगी। ठीक है, तो ये हमारी तैयार फ्रॉक की लंबाई 40 इंच के करीब बैठेगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस तरीके से इसके नीचे पट्टी जोड़नी है और उसमें चुन भरने हैं। तो ये देखिए, ये हमारी फ्रॉक में से बचे हुए कपड़े हैं। मैं आपको इसमें से एक पट्टी काट के बताती हूँ मैं इसमें से कि आपको किस तरीके से पट्टी काटनी है। ये देखिए, हम इसकी चौड़ाई जो लेंगे, ये देखिए 4 इंच की लेनी है हमें। ये देखिए, और इसी तरीके से पूरी पट्टी पे हम 4 इंच का निशान लगा देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। तो मेरी फ्रॉक में से जितना भी कपड़ा बचा है, मैं उसकी कटिंग करने के बाद और उसे जोड़ के आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं हमने अपनी पूरी पट्टी तैयार कर ली है। ये देखिए, आप भी इसी तरीके से अपनी पूरी पट्टी को तैयार करें। अगर आपके पास कपड़ा नहीं है तो आप पट्टी के अंदर बीच में जोड़ भी लगा सकते हैं। अब तो देखिए, अब हम इस पट्टी को उल्टा करेंगे और इसे देखिए इस तरीके से हम मोड़ेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं हमने अपनी पूरी पट्टी के अंदर इसमें सिलाई लगा ली है, इसे हमने नीचे से मोड़ लिया है। उसी तरीके से आपको दूसरी पट्टी के अंदर भी सिलाई लगानी है, उसे नीचे से मोड़ना है। मैं आपको दोनों पट्टियों को मोड़ने के बाद दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं हमने अपनी दोनों पट्टियाँ नीचे से मोड़ ली हैं, ये वाली भी मोड़ ली है और ये देखिए ये वाली भी मोड़ लिया। उसी तरीके से आपको अपनी दोनों पट्टियाँ नीचे से मोड़ के तैयार करनी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको ये पट्टी फ्रॉक के ऊपर किस तरीके से लगानी है। ये देखिए, इस तरीके से हम ये लगाएंगे और ये देखिए हल्की हल्की सी प्लेटें भरते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए, फिर हम यहाँ भी इसी तरीके से करेंगे। ये देखिए, और यहाँ भी हम इसी तरीके से करेंगे। आपको पूरी फ्रॉक के अंदर इसी तरीके से ये पट्टी लगानी है और इसके अंदर चुन भरते जाने हैं आपको। देखिए, मैंने पूरी में प्लेटें भर ली हैं। ये देखिए, और मेरा ये इतना कपड़ा बच गया है। अब मैं इस कपड़े की कटिंग कर दूंगी। इसके ऊपर अब हमें डबल सिलाई लगाएंगे।
तो ये देखिए जिस तरीके से मैंने ये वाली पट्टी तैयार करी है, उसी तरीके से आपको अपनी फ्रॉक के दूसरे वाले घेरे पे भी इसी तरीके से पट्टी लगानी है और उसके अंदर चुन भरने हैं। मैं आपको दोनों तरफ का घेरा तैयार करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं हमने अपनी फ्रॉक के घेरे पे दोनों तरफ ये पट्टी लगा ली है, ये देखिए। और उसी तरीके से आपको अपनी फ्रॉक के घेरे पे दोनों तरफ ये पट्टी लगानी है और उसे तैयार करना है। अब मैं आपको इसकी फिटिंग के बारे में बताती हूँ कि आपको इसकी फिटिंग किस तरीके से करनी है। तो देखिए हमने इस तरीके से इसे उल्टा कर लिया है। तो देखिए हमारी चेस्ट थी 34, तो यहाँ पे हम 17 इंच लेंगे। हमने फ्रॉक की कटिंग के वक्त 1.5 इंच का मार्जिन लिया था दोनों तरफ। पहले देखिए पहले हम इधर 1.5 इंच का मार्जिन निकाल देंगे और उसी तरीके से हम इधर भी 1.5 इंच का मार्जिन निकाल देंगे और हम इसे नाप के देखेंगे कि ये 17 इंच है या नहीं है। तो ये देखिए ये हमारी 17 इंच है, ये देखिए। अब हम यहाँ से 6.5 इंच पे टिक करेंगे, ये देखिए। और उसी तरीके से हम वेस्ट के निशान से 6.5 इंच पे टिक करेंगे। तो देखिए हमारी कमर थी 28, तो यहाँ से हम 28 का आधा करेंगे तो हो गया 14, तो यहाँ पे हम 14 इंच रखेंगे। तो मैंने 1.5 इंच दोनों तरफ छोड़ दिया है। अब मैं नाप के देखूंगी 14 इंच है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा 14 इंच के करीब है, ये देखिए। अब हमारी ये जो कमर वाला निशान है यहाँ से हम 6.5 इंच पे टिक करेंगे और उसी तरीके से हम 6.5 इंच पे कमर वाला निशान है इससे नीचे हम 6.5 इंच पे टिक करेंगे। हमारे हिप से 36, तो हम 36 का आधा करेंगे तो हो गया 18, तो यहाँ पे हम 18 रखेंगे। पहले हम 1.5 इंच का जो हमने मार्जिन लिया था उसे हम निकाल देंगे, फिर नाप के देखेंगे ये 18 इंच है या नहीं है। तो देखिए मैं इसे नापूंगी, तो आप देख सकते हैं ये हमारा 18 इंच के करीब है, ये देखिए। अब हम इन निशानों को आपस में मिला देंगे, ये देखिए। इन निशान को कमर वाले निशान से मिला देंगे और इसे हिप वाले निशान से मिला देंगे। अब इस सिलाई को हम यहाँ पे इस तरीके से ले जाएंगे, हिप से नीचे इस तरीके से आधे आधे इंच की हम सिलाई लगा देंगे। उसी तरीके से हम यहाँ भी करेंगे, ये देखिए। चेस्ट वाले निशान को कमर वाले निशान से मिलाएंगे, ये देखिए। और कमर वाले निशान को हिप वाले निशान से मिलाएंगे, ये देखिए। फिर इस सिलाई को हम इस तरीके से कर देंगे, आधा इंच यहाँ कपड़ा छोड़ते हुए पूरे में हम नीचे तक सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए अब हम बाजू पे निशान लगाएंगे फिटिंग के। तो ये देखिए मोहरी मुझे तैयार चाहिए 5 इंच की, तो देखिए मैं 5 इंची पे टिक करूँगी, ये देखिए। अभी 5 इंची पे इनकी टेप को हम इस तरीके से करेंगे। अब ये देखिए इस वाले निशान को हम चेस्ट वाले निशान से मिला के हम आड़ा कर देंगे, ये देखिए। उसी तरीके से हम दूसरी बाजू पे निशान लगाएंगे। तो ये देखिए ये हमारी दूसरी बाजू है, इस पर भी हम फिटिंग के निशान लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ से हम 5 इंच लेंगे, 5 इंच पे हम टिक करेंगे, 3 इंच टेप को इस तरीके से रखेंगे। और ये देखिए ये जो हमारी चेस्ट का निशान है इस निशान से हम मिला देंगे आड़ा करके, ये देखिए। उसी तरीके से आपको करना है, ये देखिए। हम यहाँ से सिलाई लगानी स्टार्ट करेंगे अपनी बाजू की मोहरी से और इस तरीके से यहाँ पे, और फिर यहाँ पे इस तरीके से, ये देखिए। और यहाँ पे और इस तरीके से हम पूरे घेरे पे यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। और ये देखिए इसी तरीके से हम मोहरी से सिलाई लगानी यहाँ से भी स्टार्ट करेंगे, दूसरी तरफ से भी हमें मोहरी से सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है, ये देखिए इस तरीके से। और फिर यहाँ से इस तरीके से और इस तरीके से, और ये जितना भी घेरा है यहाँ पे पूरे पे आधे आधे इंच के करीब कपड़े पे हम पूरे पे सिलाई लगा देंगे। मैं आपको सिलाई लगाने के बाद दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारी फ्रॉक बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो देखिए इसके अंदर कितना अच्छा खासा घेरा आ चुका है और बनने के बाद ये कितनी अच्छी लग रही है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आपको जो भी नीचे लाइक का बटन दिखाई दे रहा है उसे क्लिक करें। और अगर आप इसी तरीके की सिलाई की वीडियो देखना चाहते हैं जिसकी मदद से आप बड़ी ही आसानी से अपने घर पे अच्छे से अच्छे डिजाइन के कपड़े सिल सकें तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इसी तरीके की वीडियो लाते रहेंगे।